तो आप यहाँ पे देख सकते हो आज भी यहाँ पे निफ्टी का फिब रिट्रेसमेंट का सेटअप काफी अच्छी तरीके से वर्क हुआ है। यहाँ पे है डे हाई और आज डे हाई ब्रेक हुआ है, तो डे हाई ब्रेक होने के बाद हमें फिब रिट्रेसमेंट का जो सेटअप है वो इस्तेमाल करना है पहले 5 मिनट के कैंडल के लो से। तो ये पहले 5 मिनट के कैंडल है, यहाँ से लो से हमें मार्क करना है आज के डे हाई तक, ठीक है। ये है आज का डे हाई और यहाँ पे आप देख सकते हो हमने डे हाई को भी मार्क कर दिया है। ये जो आप ब्लू लाइन दिख रहे हो ये डे हाई है आज का, तो मैं डे लो भी मार्क करता हूँ पहले 5 मिनट के कैंडल का। और यहाँ पे आपको ये लो मार्क करने के बाद आपको 0.5 की लेवल देखनी है, तो 0.5 की लेवल में अभी आपको यहाँ पे मार्क करके दिखाता हूँ। ये है 0.5 की लेवल और इस 0.5 के लेवल के नीचे अगर आपको कोई कैंडल क्लोज करते हुए दिखाई दी तो आप यहाँ पे पुट साइड की ट्रेड बना सकते हो या कॉल को शॉर्ट कर सकते हो। तो ये देखिए 9:40 की जो कैंडल है इसने 0.5 के लेवल के नीचे हमें क्लोजिंग दे दी थी, तो हम लोग यहाँ पे ट्रेड बना सकते हैं। 1:1.5 या 2 का टारगेट हम लोग यहाँ पे मार्केट से एक्सपेक्ट करते हैं, मतलब 20 पॉइंट्स का यहाँ पे आप स्टॉप लॉस रखिए, 50 पॉइंट्स का मैक्सिमम टारगेट आप यहाँ पे देख सकते हो, आपको 50 पॉइंट्स भी मिल गए हैं, जाके चेक कीजिए। मैं आपको ये सेटअप बार बार क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि इसकी एक्यूरेसी काफ़ी अच्छी आती है, आपको कोई और सेटअप इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है। एक बार आपने सेटअप सीख लिया तो आप जो है अच्छे प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हो, लेकिन आपको डिसिप्लिन के साथ इस सेटअप को करना होगा, ठीक है। एक हर बार आपका अगर स्टॉप लॉस चला जाता है तो चला जाने दीजिए, ओवर ट्रेड नहीं करना हमें। तो यहाँ पे इस सेटअप को अगर आपको सीखना है तो आज ही हमारे चैनल पे जाइए और ये निफ्टी का फिब रिट्रेसमेंट का सेटअप सीख लीजिए।